नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मजेदार सवालों के जवाब, तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न क्रमांक 1, कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? आपका ऑप्शन है ए शीशा, बी हीरा, सी एल्यूमिनियम, डी ग्रेफाइट। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हीरा। प्रश्न क्रमांक 2, पटना का प्राचीन नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी सीलोन, सी हस्तिनापुर, डी वैशाली। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। प्रश्न क्रमांक 3, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 रंग। प्रश्न क्रमांक 4, दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए शुतुरमुर्ग, बी हमिंग बर्ड, सी बाज, डी गिद्ध। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग। प्रश्न क्रमांक 5, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? आपका ऑप्शन है ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, डी ऑल टाइम मनी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। प्रश्न क्रमांक 6, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए रदरफोर्ड, बी चैडविक, सी गोल्डस्टीन, डी एल्बर्ट आइंस्टीन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रदरफोर्ड। प्रश्न क्रमांक 7, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपका ऑप्शन है ए ज्योति बसु, बी प्रतिभा पाटिल, सी सरोजिनी नायडू, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल। प्रश्न क्रमांक 8, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए गुलाब जामुन, बी रसगुल्ला, सी जलेबी, डी बर्फी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जलेबी। प्रश्न क्रमांक 9, किस चिड़िया की आवाज सबसे मधुर होती है? आपका ऑप्शन है ए तोता, बी बुलबुल, सी मोर, डी कोयल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बुलबुल। प्रश्न क्रमांक 10, वीवो किस देश की कंपनी है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी जापान। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। अगला सवाल आपके लिए, जिसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भगवान श्री राम जी की माता का क्या नाम था? हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। आशा करते हैं कि यह जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही मजेदार वीडियो रोजाना सबसे पहले देखने के लिए आपके अपने चैनल ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें। धन्यवाद।